हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे लास्ट लेक्चर में लोकल बेस। सो फ्रेंड्स, लोकल बेस क्या होते हैं ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उस पर कुछ एग्जांपल्स कर चुके हैं डिफरेंट टोपोलॉजिकल स्पेसेस लेके उन पे जो लोकल बेसिस की बात करते हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स। सो आज जो डिस्कस करेंगे फर्स्ट काउंटेबल स्पेस क्या होते हैं ये समझना है फ्रेंड्स। सो आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग वो हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट काउंटेबल स्पेसेस। ठीक है, सो फर्स्ट काउंटेबल स्पेसेस क्या होते हैं फ्रेंड्स ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस क्या होता है अगर ये डिस्कस करना है हमें। सो सबसे पहले रिकॉल करते हैं लोकल बेस की अगर मैं बात बोलूं, सो एक्स टाउ एक टोपोलॉजिकल स्पेस में लिया, ठीक है, इस एक्स का एक पॉइंट मैंने लिया एक्स, इस एक्स का एक पॉइंट लिया मैंने क्या पी। सो इस पी पे लोकल बेस की बात बोलते हैं ना। सो बीपी आपको याद होगा ये जो कलेक्शन लिखा था मैं ना, ये बीपी ये होता क्या है, ये पी के नेबरहुड्स का कलेक्शन होता है। और आपको पता है नेबरहुड्स की बात करें तो बेसिकली हम क्या करते थे, इस टोपोलॉजी के जो मेंबर्स हुआ करते थे ना जो कि पी को कंटेन करते हैं उन्हीं को हम बेसिकली लिया करते थे, ठीक है। सो ये बीपी होता क्या है, पी को कंटेन करने वाले ऐसे बोलूं नेबरहुड्स का कलेक्शन। और नेबरहुड्स मतलब आपको पता है ओपन सेट्स अगर होंगे टाउ के मेंबर्स जो पी को कंटेन करेंगे, सो पी के नेबरहुड्स का कलेक्शन है ये। और इसको मैं बोलूंगा क्या, ये लोकल बेस फॉर्म करता है एट पी अगर मैं इस पी को कंटेन करने वाला कोई भी एक नेबरहुड लेता हूं ना तो मुझे यहां का एक मेंबर बी मिल जाता है, सच दैट ये बी जो होगा कंटेन हो जाता है किसमें, इस एन में। और ऐसा कंडीशन इस पी के हर नेबरहुड एन के लिए ट्रू होता है, सो हम इस बीपी को क्या बोलते हैं, लोकल बेस, ठीक है फ्रेंड्स। सो अब आते हैं फर्स्ट काउंटेबल स्पेस क्या होता है। सो आपको मैं बता दूं एक टोपोलॉजिकल स्पेस लीजिए, कोई भी पॉइंट लेंगे आप ना, पी का कोई भी पॉइंट लीजिए ना, तो इस पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिलेगा, काउंटेबल लोकल बेस, ठीक है फ्रेंड्स। सो इसको मैं जब डिफाइन करता हूं, लेट एक्स टाउ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है ना, देन इट इज कॉल्ड, देन इट इज कॉल्ड फर्स्ट काउंटेबल स्पेस इफ इट हैज काउंटेबल लोकल बेस एट इच पी बिलोंग्स टू एक्स। कॉन्सेप्ट समझिएगा फ्रेंड्स, डेफिनेशन सिंपल है, जो डेफिनेशन है फर्स्ट काउंटेबल स्पेस का वो क्या है, कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस आप लेते हैं, ठीक है ना, तो इसको मैं बोलूंगा ये फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है अगर इस एक्स के हर पॉइंट के लिए, ध्यान दीजिएगा, इस एक्स के हर पॉइंट के लिए मुझे क्या मिल जाएगा, काउंटेबल लोकल बेस। कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि नहीं फ्रेंड्स। सो अब आते हैं ये काउंटेबल लोकल बेस की बात बोले, सो काउंटेबल लोकल बेस होता क्या है। सो आपको पता है कोई भी सेट अगर मैं लेता हूं मैं उसको बोलता हूं वो काउंटेबल है, कब, अगर उसमें मैं क्या बोलूं, उस सेट को काउंटेबल कब बोलते हैं, दो ही केस होता है, मैं कोई भी सेट लेता हूं, मैं रियल नंबर्स पे आ जाता हूं, सो अगर ए जो है कोई सबसेट मैं लेता हूं रियल नंबर का, सो मैं बोलूंगा इस ए को ये काउंटेबल है, कब, अगर या तो ये फाइनाइट हो जाए फ्रेंड्स, या दूसरा फिक क्या था कि इस सेट पे एफ फ्रॉम एक नेचुरल नंबर से लेके मुझे ए पे एक मैपिंग मिल जाए ना, जो कि क्या हो जाए फ्रेंड्स, बोथ वन वन एंड आर टू मैपिंग, दैट मीन्स क्या हो जाए, ये बाइजेक्टिव मैपिंग हो जाए। सो हम इसको क्या बोलते हैं, उस केस में
इस सेट ए को हम क्या बोलते हैं, काउंटेबल। सो फिर से मैं रिकॉल करता हूं, कोई भी सेट लिया मैं ए, ये रियल नंबर का भी सबसेट हो सकता है या जनरल सेट भी ले लिया आपने, तो इस सेट को आप बोलते हैं ये काउंटेबल है अगर या तो ये फाइनाइट हो जाता है या हमें एक मैपिंग मिल जाए। अगर ये फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट हो जाता है, सो हमें एक मैपिंग मिलता है नेचुरल नंबर से लेके उस सेट पे, सच दैट ये मैपिंग क्या हो जाती है फ्रेंड्स, बाइसेक्टिव मैपिंग हो जाती है। सो इन दोनों केसेस में या तो फाइनाइट, अगर फाइनाइट नहीं है तो नेचुरल नंबर से लेके उस सेट पे एक बाइसेक्टिव मैपिंग मिल जाता है ना। सो ऐसे जो मैं बात करता हूँ ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, काउंटेबल सेट्स। काउंटेबल सेट्स का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, इसको जो है हम लोग एग्जांपल्स भी किए हुए हैं। सो यहाँ पे अब जो है ये अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अब जरा यहाँ पे मैं बात बोलता हूँ, जो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस की मैं बात बोल रहा हूँ तो वहां यहाँ पे उसका यूज किया है। सो कॉन्सेप्ट समझिएगा फ्रेंड्स, एक टोपोलॉजिकल स्पेस लिया, इसके हर पॉइंट के अबाउट मुझे एक क्या हो जाएगा, लोकल बेस अगर मिलता है। सो इस टोपोलॉजिकल स्पेस x tau को मैं बोलता हूं ये फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है अगर इसके हर पॉइंट के अबाउट जो ये लोकल बेस मिल रहा है ना, ये क्या हो जाए, काउंटेबल हो जाए। काउंटेबल मतलब या तो ये BP जो है फाइनाइट सेट हो जाए या फिर मुझे नेचुरल नंबर से लेके, या तो फिर मुझे नेचुरल नंबर से लेके इस BP पे, कॉन्सेप्ट समझिएगा, इस BP पे क्या हो जाएगा, एक बाइसेक्टिव मैपिंग मिल जाए। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो इस टोपोलॉजिकल स्पेस को मैं क्या बोलूंगा फ्रेंड्स, क्या, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। सो फ्रेंड्स अब आई होप ये जो डेफिनेशन है मैं आपको समझा पाया, सो आप इसको प्लीज पॉज करके आप नोट डाउन करें ताकि मैं इसको इरेज करके एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो सिंपल से करना क्या है, आपको कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस दिया हुआ है, आप देखिए कि हर पॉइंट के अबाउट जो लोकल बेस मिल रहा है ना वो काउंटेबल है कि नहीं। अगर काउंटेबल हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है ना, अगर हर पॉइंट के अबाउट मुझे एक भी ऐसा अगर काउंटेबल लोकल बेस मिल जाता है ना तो हम क्या बोलेंगे, ये टोपोलॉजिकल स्पेस क्या है फ्रेंड्स, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है। सो इसको मैं इरेज करूंगा, इसको मैं इरेज करूंगा, ये डिफिनेशन आई होप आपने लिख लिया फर्स्ट काउंटेबल स्पेस क्या होता है। अब आता हूं कुछ एग्जांपल्स करने की कोशिश करते हैं, पहले तो कुछ फंडामेंटल एग्जांपल्स करते हैं जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा आपको थोड़ा सा एक अच्छा एग्जांपल यूजुअल टोपोलॉजी पे मैं करने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले ट्रिवियल एग्जांपल, ट्रिवियल एग्जांपल ये होगा, फॉर एग्जांपल मानिए लेट एक्स, चलिए मैं डिस्क्रीट ले लिया, एक्स डी बी be a discrete topological, be a discrete topological space, ठीक है ना, then xd is first countable, ठीक है ना। अब xd अगर मेरा डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में ले रहा हूं फ्रेंड्स, सो मैं क्या बोल रहा हूं, ये फर्स्ट टोपोलॉजिकल फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होगा, देन इट इज फर्स्ट काउंटेबल। सो अगर मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, ये x कुछ भी हो सकता है, ये फाइनाइट में ले सकता हूं, इनफाइनाइट ले सकता हूं, फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल चलिए मैं इनफाइनाइट लेके लिखता हूं, मान लीजिए x is equal to, मैं ले लिया a b c और इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स भी हो सकते हैं। मान लीजिए एक जो इनफाइनाइट सेट हो गया, या मैं यूं कर दूं, थोड़ा अगर कंफ्यूजन होगा आपको, सो मैं कर दिया चलिए x1 x2 ठीक है ना x3 डॉट डॉट डॉट, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लिए। सो फ्रेंड्स मैं बोल रहा हूं क्या, ये मैं आपको लिख दिया हूं कि ये फर्स्ट काउंटेबल होगा, कोई भी डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस आप लेते हैं ये फर्स्ट काउंटेबल होगा। सो फ्रेंड्स अगर ये फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है, सो दैट मींस क्या हुआ, इसके हर पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग मुझे क्या होगा, एक काउंटेबल लोकल बेस मिलेगा, यही ना फ्रेंड्स। सो आपको पता है बहुत हम इजिली जानते हैं, जो लास्ट लेक्चर हम लोग किए डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में, किसी भी पॉइंट के अबाउट जो लोकल बेस की बात बोलते हैं वो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, अगर यही एक्स मैंने ले लिया है, इस पे डिस्क्रीट टोपोलॉजी ले लिया मैंने, तो मान लीजिए x1 के करस्पॉन्डिंग जो मैं लोकल बेस निकाल रहा हूं,
बी एक्स वन, ये क्या हो जाएगा, आपको पता है सिंगलटन एक्स वन, ये हम लोग किए हैं, ये एक लोकल बेस फॉर्म करता है फ्रेंड्स, क्यों, क्योंकि अब एक्स वन का कोई भी नेबरहुड लूंगा ना, ठीक है ना, तो ये मेंबर मिल जाता है x1, जो कि इस x1 के हर एक नेबरहुड में क्या हो जाएगा, कंटेन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अगर ये यूनिवर्सल सेट की तरह इस x को लेता हूं, तो यहां पे देखिए, ये है मेरा पॉइंट x1 ना, और इस x1 को कंटेन करने वाला ये पॉइंट मेरा x1 है, ये मैं ले लिया, ये जो इसका नेबरहुड होगा ना, इसी को मैं बी ले लेता हूं, और बी है क्या मुझे सिंगलटन x1। अब इसका कोई भी मैं नेबरहुड लूंगा ना, इससे बड़ा ही आएगा, मतलब क्या हुआ, इस बी को कंटेन करने वाला होगा ना, तो दैट मींस क्या हुआ, मैं कोई भी नेबरहुड अगर n यहाँ पे ले रहा हूं, तो मुझे ये जो है इस लोकल बेस जो मैं बोल रहा हूँ, ये मेंबर b मिल जा रहा है, सच दैट ये जो होता है x1 के हर नेबरहुड में क्या हो जा रहा है, कंटेन हो जा रहा है। सो दैट मींस क्या हो गया, ये लोकल बेस फॉर्म करता है, ये ऑलरेडी कर चुके हैं। अब फ्रेंड्स आते हैं इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो आप देखिए केवल यही एक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो ओनली वन है, वन एलिमेंट मतलब फाइनाइट हो गया, और फाइनाइट मतलब अभी आपको बताया क्या हो जाएगा, काउंटेबल। सो इस काउंटेबल अब मैं लिख देता हूं सिंस, क्यों, सिंस फॉर एवरी पी बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है ना, ये देखिए लोकल बेस, ये मैं बोल रहा हूं बीपी इज इक्वल टू सिंगलटन पी, ठीक है ना, which is a countable local base, ठीक है ना, which is a countable local base हो गया, क्यों, क्योंकि ये finite हो गया ना, और finite मतलब इसमें only one element है, अगर ये finite हो जाता है तो countable sets के definition से ये countable as a set, ये countable हो जाता है, क्योंकि लोकल बेस है ही, तो ये काउंटेबल लोकल बेस हो जाता है। सो दैट मींस क्या हो गया, हर पॉइंट P, कोई भी मैं पॉइंट लूंगा, जैसे यहाँ पे देखिए x1 के अबाउट ये मिल जाएगा, x2 के अबाउट ये सिंगलटन x2, x3 के अबाउट सिंगलटन x3, तो मैं जनरल ले लिया P जनरल पॉइंट, तो ये सिंगलटन P जो होगा एक लोकल बेस फॉर्म करेगा, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स वन है, मतलब ये फाइनाइट हो गया, और फाइनाइट हो गया तो क्या हो जाएगा, काउंटेबल। सो दैट मींस क्या हो जाएगा कि हर पॉइंट डिस्क्रीट स्पेस, कोई भी डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस लीजिए, उसमें क्या होता है, कोई भी पॉइंट लूंगा ना, तो उस पॉइंट के अबाउट मुझे क्या मिल जा रहा है, एक काउंटेबल लोकल बेस। अब इसी तरीके से आपको एक होमवर्क दे देता हूं, जरा मैं होमवर्क दे देता हूं, ये देखिए कोई भी डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस लीजिए ना, वो क्या होगा, फर्स्ट काउंटेबल। अब मैं जरा आता हूं एक और एग्जांपल, कंसीडर द टोपोलॉजिकल स्पेस, मैं ये कंसीडर कर रहा हूं, कंसीडर टोपोलॉजिकल स्पेस ये एक्स आई, चलिए इन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस मैंने कंसीडर किया फ्रेंड्स। सो अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, क्या ये फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होगा फ्रेंड्स। सो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस मतलब इस टोपोलॉजिकल स्पेस का कोई पॉइंट लूंगा ना, उसके करेस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिलेगा, एक काउंटेबल लोकल बेस मिलेगा। सो क्या ये ऐसा कंडीशन होगा, सो थोड़ा सा सोचते हैं फ्रेंड्स। सो कंसीडर दिस, देन एक्स आई इज फर्स्ट काउंटेबल, ये जो होगा आपका फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होगा, क्यों, अब आपको मैं रीजन की बात करता हूं, ये फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होगा, अब ये क्यों होगा, अब आपसे मैं पूछता हूं फ्रेंड्स। सो देखिए फ्रेंड्स, ये फर्स्ट काउंटेबल स्पेस 100% होगा, कैसे, आपको पता है किसी भी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में मैं कोई भी पॉइंट पी लेता हूं ना इस एक्स का, तो इसके करस्पॉन्डिंग सब लोकल बेस होता है फ्रेंड्स ना, वो क्या हो जाता है, आपको पता है एक ही सेट आता है, वो क्या, एक्स, क्यों, क्योंकि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है, फाई और एक्स, मैं समझा पाया फ्रेंड्स। सो कोई भी पॉइंट लूंगा इसको कंटेन करने वाला, इसका एक ही नेबरहुड मिलेगा क्या, ये एक्स ना, तो अब इस लोकल बेस अगर ये हो गया, तो इसमें इस लोकल बेस में कितने आप यूं बोलिए कितने एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स मतलब नेबरहुड्स आते ही हैं, तो कितने अकाउंट करिए, तो ये केवल एक्स आ रहा है ना, मतलब ओनली वन एलिमेंट, ठीक है ना, और अगर एक एलिमेंट आ रहा है मतलब ये क्या हो जाएगा, ये जो होगा एज सेट ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो गया, क्योंकि फाइनाइट हो गया ना, सो फाइनाइट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। सो दैट मींस क्या हो फ्रेंड्स,
कोई भी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस लीजिए ना, वो क्या हो जाता है आपका फर्स्ट काउंटेबल हो जाता है। सो दो एग्जांपल्स ट्रिवियल ऐसे किए फ्रेंड्स, जहां पे कि दोनों स्पेसेस जो है वो क्या हो जा रहे थे फर्स्ट काउंटेबल, एक डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस और एक इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। इस एक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इस पे डिपेंड नहीं करता, आप फाइनाइट एक्स को ले लीजिए फाइनाइट सेट, एक्स को इनफाइनाइट सेट ले लीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। इस केस में डिस्क्रीट वाले में हर पॉइंट के अबाउट ये मिलता है लोकल बेस, और इनडिस्क्रीट वाले में आपका लोकल बेस हर पॉइंट के अबाउट ये मिलता है। इन दोनों में केवल सिंगल एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, तो फाइनाइट हो गया, मतलब ये लोकल बेस जो आ रहा है वो क्या हो जा रहा है काउंटेबल हो जा रहा है। सो फ्रेंड्स आई होप मैं ये समझा पाया। ये दोनों अगर आप लिखना चाहते हैं एग्जांपल्स तो प्लीज पॉज करके नोट डाउन करें। अब जो है मैं आगे स्टार्ट करता हूँ फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल हम लोग करेंगे, और वो एग्जांपल क्या होगा एक इनफाइनाइट सेट पे, जहां पे मैं बात करता हूँ जो लोकल बेस की बात होती है ना वो क्या होता है लोकल बेस इनफाइनाइट होता है हर पॉइंट के अबाउट। तो उस केस में जो थोड़ा सा देखते हैं कैसे हम लोग करेंगे। सो आई होप आपने इसको पॉज करके लिख लिया। सो अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स एक आध और करते हैं। सो फ्रेंड्स बिल्कुल एक स्टैंडर्ड एग्जांपल ही मैं बोलूंगा, पहले मैं एग्जांपल लिख लेता हूं फिर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो एग्जांपल क्या है, कंसीडर द यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस, यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस, ये क्या हो जाएगा आर यू, ठीक है। अब आपसे मैं पूछता हूं इज इट फर्स्ट काउंटेबल, इज इट फर्स्ट काउंटेबल, कॉन्सेप्ट समझिएगा फ्रेंड्स। मैं जो एग्जांपल दिया हूं बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जांपल, ये ऐसा एग्जांपल है जहां पे कोई भी पॉइंट के अबाउट जब आप लोकल बेस निकालेंगे उसमें क्या होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। सो मैं आपसे पूछ रहा हूं ये जो यूजुअल टोपोलॉजी में आर यू ले रहा हूं ना वो क्या फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होगा। अगर ये फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होगा फ्रेंड्स तो क्या होना चाहिए, इस आर के मतलब कोई भी रियल नंबर लेता हूं मैं उसके करेस्पॉन्डिंग जो होता है मुझे क्या मिलना चाहिए, एक काउंटेबल लोकल बेस मिलना चाहिए, यही होना चाहिए फ्रेंड्स ना। सो हम कर चुके हैं यूजुअल टोपोलॉजी में कोई भी पॉइंट अगर मैं पी लेता हूं मतलब कोई भी रियल नंबर अगर पी लेता हूं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो लोकल बेस आता है वो होता क्या है। सो अब मैं आता हूं सॉल्यूशन। सो सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट फॉर एवरी पी बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, कोई भी मैं रियल नंबर लेता हूं जो लोकल बेस होता है फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट समझिएगा लोकल बेस होता क्या है आपको मैं कर चुका हूं, p माइनस वन बाई एन पी प्लस वन बाई एन सच दैट n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। ये किए थे हम लोग, मैं कोई भी रियल नंबर लेता हूं ना इसके करस्पॉन्डिंग जो लोकल बेस होता है वो क्या होता है, ये जो होते हैं ओपन इंटरवल्स की बात कर रहा हूं मैं, ये ओपन इंटरवल्स होते हैं फ्रेंड्स। सो क्या ये अगर ओपन इंटरवल्स की अगर मैं बात बोल रहा हूं सो ये जो होगा क्या ये फर्स्ट, मैं क्या बोलना चाहता हूं क्या ये अगर ये जो है आपका फर्स्ट काउंटेबल होगा तो ये जो लोकल बेस मिल रहा है ना ये क्या होना चाहिए एज अ सेट काउंटेबल, क्योंकि लोकल बेस तो मिल गया। अब अगर आप बात करें इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं और वो एलिमेंट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, एन इक्वल टू वन रखिए आप, सो पी माइनस वन पी प्लस वन फर्स्ट, पी माइनस हाफ पी प्लस हाफ, इस तरीके से आप पी माइनस वन बाई एन पी प्लस वन बाई एन डॉट डॉट डॉट। अगर आपको याद हो ये अगर मैं लिखूंगा तो इसमें क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, एन को वैरी करूंगा नेचुरल नंबर पे, वन रखूंगा ये आएगा, टू रखूंगा एन इक्वल टू ये आएगा, थ्री रखेंगे तो पी माइनस वन बाई थ्री पी प्लस वन बाई थ्री ओपन इंटरवल आएगा। सो इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं, और ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में कि ये कैसे लोकल बेस फॉर्म करता है फ्रेंड्स, ठीक है। सो अब आते हैं, अगर ये लोकल बेस है तो मुझे बस ये यूजुअल टोपोलॉजी जो मैं लिया हूं ये फर्स्ट काउंटेबल हो जाएगा, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस अगर
क्या ये जो लोकल बेस है ना ये क्या हो जाए countable हो जाए as a set. So as a set countable हो जाए तो आपको चेक करना है कि क्या ये countable होगा. तो यहाँ पे देखिए इसमें number of elements क्या friends infinite. So मुझे क्या दिखाना होगा कि मुझे एक मैपिंग मिलता है friends ना f from कहाँ से natural number से लेके ये जो local base मेरा मिल रहा है ना bp यहाँ पे एक मैपिंग मिलता है such that वो मैपिंग क्या हो जाएगी friends bijective हो जाएगी friends. तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखें आप. तो एक मैं मैपिंग डिफाइन कर रहा हूं यहां पे लिख लीजिए डिफाइन या चलिए इतना डिफाइन कर देता हूं मैं सच दैट मैं कोई भी नेचुरल नंबर लेता हूं ना n ठीक है ना ये मैप किस पे होता है p माइनस वन बाई एन से लेके p प्लस वन बाई एन तक कॉन्सेप्ट समझिएगा फ्रेंड्स. मैं ये मैपिंग डिफाइन कर देता हूं फॉर एवरी n ठीक है फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. सो जरा कॉन्सेप्ट देखिए अगर ये मैं देखता हूं तो ये मैपिंग क्या हो जाती है बाइजेक्टिव हो जाएगा. इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं फ्रेंड्स. यहां पे मेरा जो सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ये मैंने ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इसमें क्या होगा वन टू थ्री डॉट 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 और उसी तरीके से यहाँ पे मेरी मैपिंग क्या है जो लोकल बेस में कंसिडर कर रहा हूँ ना बीपी और बीपी है क्या ये वाले तो इसके एलिमेंट्स क्या है ओपन इंटरवल्स पी माइनस वन पी प्लस वन एक ये आ गया. अब टू के करस्पॉन्डिंग देखिए ये आ रहा है पी माइनस वन बाई टू पी प्लस वन बाई टू थ्री लेंगे पी माइनस वन बाई थ्री पी प्लस वन बाई थ्री और इस तरीके से डॉट डॉट डॉट. सो फ्रेंड्स यहाँ पे एज अ मैपिंग आप देखिए ये मैपिंग में एफ अगर ले लिया तो देखिए ये वन किस पे मैप होगा इस पे कॉन्सेप्ट समझिएगा. जब 2 लेंगे तो n is equal to 2 के करेस्पॉन्डिंग इस पे मैप होगा 3 लेंगे 3 के करेस्पॉन्डिंग इस पे और इस तरह से n ले लेंगे तो n जो होगा इस पे मैप होगा. सो आप देख क्या रहा है फ्रेंड्स आप देख क्या रहा है अल्टीमेट ये मैपिंग क्या हो जा रही है. ध्यान देखिए ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स इनके करेस्पॉन्डिंग जो ओपन इंटरवल्स मिल रहे हैं p ये वाले ओपन इंटरवल्स मिल रहे हैं ना तो हर एक के करेस्पॉन्डिंग डिस्टिंक्ट जो मैं एलिमेंट्स ले रहा हूँ उनके इमेजेस क्या आ जा रही है फ्रेंड्स डिस्टिंक्ट आ जा रही है और ये मैपिंग क्या आ जाती है ये मैपिंग तो वन वन हो गया क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग इमेजेस आ रहे हैं और ये मैपिंग क्या आ जा रही है फ्रेंड्स बाइजेक्ट सॉरी अनटू भी हो जा रही है. कैसे यहाँ का कोई भी एलिमेंट ले रहा हूँ ना इसके करेस्पॉन्डिंग ये नेचुरल नंबर मिल जा रही है. इन जनरल मैं बोलूँ अगर कोई एलिमेंट मैं लेता हूँ ये पी प्लस वन बाई एन अगर कोई भी यहाँ का एलिमेंट लेता हूँ इसके करस्पॉन्डिंग मुझे नेचुरल नंबर n मिल जा रही है ना सच दैट ये n जो होगा इसमें मैप हो जा रहा है. सो दैट मींस क्या हो गया फ्रेंड्स ये मैपिंग जो होगा आपका अनटू भी हो गया. सो आई होप फ्रेंड्स मैं ये जो कॉन्सेप्ट था आपको समझा पाया ये जो लोकल बेस मिल रहा है किसी भी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग फ्रेंड्स ठीक है तो उस वो जो लोकल बेस हो जा रहा है क्या हो जा रहा है ये क्या हो जा रहा है काउंटेबल हो जा रहा है. क्यों क्योंकि मुझे एक मैपिंग मिल जा रही है नेचुरल नंबर से उस लोकल बेस में ठीक है ना सच दैट ये आपको क्लियरली मैं दिखाया ये मैपिंग वन वन की हो जा रही है मैपिंग अन टू हो जा रही है. सो दैट मीन्स ये मैपिंग क्या हो जा रही है बाइजेक्टिव. अब अगर ये मैपिंग बाइजेक्टिव हो गई सो ये जो सेट होगा ना बीपी जो मिला एज अ सेट ये क्या हो जा रहा है काउंटेबल सेट हो जा रहा है. सो दैट मीन्स क्या हुआ फ्रेंड्स अल्टीमेटली क्या हो गया कि हर पॉइंट पी के करस्पॉन्डिंग इस रियल नंबर का मैं कोई भी पॉइंट पी लेता हूँ ना इसके करस्पॉन्डिंग मुझे क्या हो जा रहा है एक countable local base मिल जा रहा है friends. और अगर ये countable local base मिल जा रहा है that means क्या हो जाएगा ये usual topology जो है ना friends वो क्या हो जा रही है आपका first countable. So तीन example किए friends हम लोग discrete topological space लेंगे first countable, indiscrete topological space लीजिए वो भी first countable और usual topology मैं ले रहा हूँ ना ये भी क्या हो जा रहा है friends आपका first countable. So I hope friends मैं आपको ये समझा पाया फर्स्ट काउंटेबल स्पेस क्या होते हैं उनके जो एग्जांपल्स जो हम लोग किए वो आपके समझ में आ पाया. सो जो आप अब ये जो होता है जो लोकल बेस का जो जो क्यों बोलिए कॉन्सेप्ट जो था लोकल बेस क्या होता है उस पर एग्जाम्पल्स हम लोग किए फिर फर्स्ट काउंटेबल स्पेसेस यहाँ तक जो डिस्कस किए लोकल बेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ये आपके समझ में आया मैं जो बताना चाहता था आपके पास पहुँच पाया. सो थैंक यू वेरी मच.